24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की खुली पोल, पूरा नगर फिरोजाबाद हुआ जलमग्न। घरों में घुसा पानी, गैरेजों में तैरती नजर आई फोर व्हीलर व टू व्हीलर वाहन। आज दिनांक 22/9/2022 को जिला फिरोजाबाद में दो दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहीं कहीं पर नगर पालिका की पोल खोलकर पूरी तरीके से नगर फिरोजाबाद हुआ जलमग्न। कहीं कहीं पर नगर पालिका की खोली पोल, पूरी तरीके से नगर फिरोजाबाद हुआ जलमग्न। घरों में घुसा पानी, गैरेजों में तैरते नजर आए टू व्हीलर व फोर व्हीलर वाहन। कहीं कहीं पर स्थानीय लोगों के द्वारा नगर पालिका को कोसते हुए मुर्दाबाद के जमकर लगाए नारे। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर फिरोजाबाद में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के ठंडे पड़े चूल्हे। कुछ लोग तो गली मकानों में अधिक पानी होने के कारण टावर के ऊपर चढ़ गए। यह नजारा वार्ड नंबर 56 में स्थानीय लोगों के द्वारा नगर निगम को कोसते हुए लगाए गए मुर्दाबाद के नारे। थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत उर्दू नगर सैलरी की पुलिया, कश्मीरी गेट, कारवाली बगिया, हसन नगर, अब्बास नगर, अजमेर गेट, आकाशवाणी रोड, वहीं पर जमकर है जलभराव की स्थिति। वार्ड नंबर 56 के प्रत्याशी मोहम्मद इसकी आपके द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि हम मोहल्ला निवासी दो दिन से अपनी समस्या को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम फिरोजाबाद से कोई हमारी समस्या को सुनने नहीं आया। यहां तक कि अधिकारियों के कान पर नहीं रेंगी जूं समाधान, न कोई अधिकारी कर्मचारी हमारी समस्या को सुनने आया। नजारा यह है, लोग पीने के लिए पानी तक के लिए हैं परेशान। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो अंदाजा लगाना आसान है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के चूल्हे ठंडे ही पड़े रहेंगे। फिरोजाबाद से रविंद्र शर्मा, एडवोकेट की रिपोर्ट।